जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी हम हैं खजुराहो स्टेशन में और यहाँ यहाँ से रास्ता जाता है बागेश्वर धाम के लिए, और यहाँ से ऑटो लेती है मात्र 50 रुपया और यहाँ डायरेक्ट छोड़ती है बागेश्वर धाम के लिए। तो आइए चलिए, चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं, कहाँ रुकना है, खाना कहाँ पे है, नहाना कहाँ पे है, कपड़े कहाँ धोना है, एक्स वाई जेड आपको सारी जानकारी, कैसे दर्शन होगा पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए चलिए, चलते हैं। रात रुकने के लिए ऐसे गद्दे आपको मिलेंगे जिसका दाम है 100 रुपया। इसमें आप एक आदमी सोइए चाहे दो आदमी। इधर ऐसे रूम मिलेंगे, इन रूम के अंदर आप ऐसे गद्दे डाल के सो सकते हैं। इधर नहाने के लिए 10 रुपये में देकर आप नहा सकते हो। बाथरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए 10 रुपया दीजिए और फ्रेश होइए। इधर भाई साहब हैं, इनसे संपर्क कर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर बोलिए। ये मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल करके आप इस एड्रेस पे आ सकते हो। नहाने धोने के बाद सबसे पहले आपको शुरू करना होगा परिक्रमा, और परिक्रमा की शुरुआत होती है यहाँ से। ये जितने भी भक्त आपको दिख रहे हैं सब परिक्रमा करने वाले लोग हैं। इन्हीं रास्तों से चल के सबसे पहले आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार आप कर सकें आपको इधर परिक्रमा करना है। मंदिर के चारों तरफ घूमकर आपको 11, 21, 51 बार परिक्रमा करना होगा। इधर अंदर की तरफ है मंदिर और अंदर चल के होता है दर्शन। तो आइए चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर आपको काफी सारे लोग सुंदरकांड पढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ये है सामने मंदिर, ऐसे दूर चले और ये लगी है पूरी लाइन। ऐसे लाइन से लोग मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। नीचे जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोगों के ऊपर प्रेत आत्माओं का साया है। जो सामने तस्वीर दिख रही है यही मंदिर है बाबा बागेश्वर धाम जी की। मंदिर के अंदर यही मूर्ति स्थापित किया गया है। दर्शन करने के बाद अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो यहाँ कहीं भी आप, हर जगह कहीं भी आप नारियल बांध सकते हैं, और नारियल बांध कर यहाँ पे अर्जी लगाई जाती है। दर्शन हम लोगों का अच्छे से हो चुका है। दर्शन करने के बाद अगर आप भभूति लेना चाहते हैं तो इधर सामने से आप भभूति ले सकते हैं। इसका टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक। ये कैसे मिलता है? आ? कैसे दिए? कितने किलो? 200 की, 300 की। कितने मतलब कैसा तोला, क्या कैसे तोला, देते? तोला है 200 रुपया। 200 रुपया तोला। और ये उदराज है अपना 50 रुपये जोड़ा, ये वाला 100 रुपये जोड़ा। अच्छा, ये 100 रुपये जोड़ा, ये 50 रुपये जोड़ा। एक मुखी सदा सुखी होता, अपना नौकरी में चाकरी में लाभ होता, धंधा से, पानी से, बिजनेस से बरबती होता। और ये संकट हानि दूर होता है। ये 100 रुपये की केसर। अच्छा, ये केसर है 100 रुपये। कितना एक तोला है? एक तोला 100 रुपये। ऐसे ही ढेर सारे लोग आपको दिखेंगे। रुद्राक्ष, केसर, और क्या बोलते हैं इसको, और शिला जी। ये बिटिया नचा के दिखा रही, बता रही कि ओरिजिनल है। अगर आप लोग को चाहिए तो आके भी लड़की से ले मिल के ले सकते हो। कितने का है बेटा? कितने का है? पंचमुखी 100 का जोड़ा। 2 मुखी 150 रुपए का, 2 तीन मुखी, 4 मुखी। नेपाल से लाते हैं, ये 4 मुखी वाला 150 का है। ओके, धन्यवाद। इसका नाम है सीता सिंधु। हाँ जी। और इसको यूज कैसे करते हो बताओ भाई, बताइए पहले इसको कैसे यूज कैसे किया जाता है, क्या यूज में आता है? अच्छा, तिलक थोड़ा एक लगाओ तो मेरा जी। आपका कल छुटेगा,
अच्छा, इसको रगड़ दिए हाथ में तो कल छुटेगा, ऐसा होता है? कपार जने लगवाना ना सब जने बोले। ओके, मतलब ये ओरिजिनल वाला टीका है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी इसी घर में रहते हैं, कौन से माले पे रहते हैं, फर्स्ट पे या सेकंड पे? पूरा पूरा घर ही उन्हीं का है। अब किस पे रहते हैं तो पता नहीं, पूरे घर में ही रहते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दुकानें दिखेंगी जहाँ से आप प्रसाद सामान सारी सामग्री खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी। यहीं पे बैठकर महाराज जी यहाँ से अर्जी लोगों की लगाते हैं, यहीं से भागवत सुनाते हैं, और इधर सारे श्रद्धालु लोग बैठते हैं, और जगह कम पड़ने के बाद बाहर भी लोग बैठते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी लोगों की अर्जी लगाते हैं और भागवत सुनाते हैं। जब यह पूरा हॉल बंद हो जाता है, भर जाता है, तो उसके बाद इधर दरवाज़ा है, इधर से पीछे की तरफ आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी दूर तक, करीब 500 मीटर दूर तक लोग पीछे तक बैठ के यहाँ पर भागवत सुनते हैं। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जगह जगह पे फैन लगे हैं, कूलर लगाए गए हैं, जमीन पक्की है बैठने के लिए। ये इतने बड़े बड़े कूलर लगे रहते हैं लोगों को, जिससे ठंडी हवा मिले, गर्मी ना लगे। काफ़ी बड़ा हाल है, यहीं पे सब लोग बैठते हैं और भागवत सुनते हैं, और लोगों की अर्जी लगती है यहाँ पर। यह पूरा हाल जो दिख रहा है, इसी हाल के अंदर महाराज जी अर्जी लगाते हैं लोगों की, और लोग अंदर जगह ना होने के बाद बाहर बाहर तक बैठते हैं। यहाँ पे टेंट लगा होता है, सामने लगता है भंडारा फ्री का। यहाँ पे सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम को खाना फ्री में दिया जाता है। आप लोग यहाँ भी खा सकते हो, और आगे और पीछे ढेर सारी होटल है, वहाँ पे भी आप लोग भोजन कर सकते हैं। अभी सुबह नाश्ता में खिचड़ी बढ़ रही है। इधर लगी है लाइन फ्री मुक्त भोजन, जो कि महाराज जी के द्वारा रोज चलाया जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं होटल जहाँ पे भोजन आपको पैसे से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी होटल मिल जाएंगी, जहाँ पे 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के अंदर आपको ढेर सारी होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हैं। भाई लोग, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में कम से कम 1000 लाइक करना, और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री बागेश्वर धाम, जो भी आपको लिखना हो, लेकिन कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो आपको लिखना हो वो लिखिए।